आज सेक्शन में ये न्यूमेरिकल है, इसके कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उसका इंप्लीमेंट किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो गिवन डेटा है उसको नोट करना है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले लिखा हुआ है सिंपली सपोर्टेड जॉइस, तो यहाँ पे बीम नहीं लिखा है, बट ये जो क्वेश्चन है ये बीम का है, ये कैसे पता चला? क्योंकि जॉइस जो होता है वो आपकी जो फ्लोरिंग को सपोर्ट करने के लिए लंबी सी बीम डाली जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जॉइस, फ्लोर या सीलिंग कह सकते हो आप। तो यानी जॉइस मतलब भी आपका बीम की बात हो रही है जो कि आपके फ्लोर को सपोर्ट करती है, और किस टाइप की बीम है? सिंपली सपोर्टेड। तो अगर हम यहाँ पे गिवन डेटा अपना नोट करें तो गिवन डेटा में हम सबसे पहले लिख सकते हैं ये एस एस बी टाइप की बीम है, ठीक है। इसके बाद इसका स्पैन कितना दिया हुआ है? 5 मीटर का। तो सिंपल जो स्पैन होता है जब हम मोमेंट निकालते हैं एल की वैल्यू यूज करते हैं, मैंने बोला था हम इफेक्टिव स्पैन का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे हमें सिंपल स्पैन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन हम नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसी को एल की वैल्यू मान करके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे तो टू सपोर्ट अ लोड, अब लोड की वैल्यू देखो आप 60 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि ये आपके एक तरीका यूडीएल है, ठीक है। यानी जो लोड हमको दिया हुआ है वो किस टाइप का लोड है? यूडीएल, और यूडीएल का सिंपल मैंने स्मॉल डब्ल्यू बताया था, तो ये किलो न्यूटन पर मीटर में आपका लोड हो गया यूडीएल, ठीक। आगे बढ़ेंगे, द बीम कंप्रेशन फ्लेंच इज रीस्ट्रेंड, इसका मतलब ये हुआ मैंने बताया था लेटरली सपोर्टेड में जो कंप्रेशन फ्लेंचेस होते हैं वो लेटरल डायरेक्शन में रीस्ट्रेंड होते हैं, मैंने ये शब्द का भी इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कंप्रेशन फ्लेंच है वो रीस्ट्रेंड है, रीस्ट्रेंड का मतलब ये इस टाइप की बीम हो गई आपकी, अगर आप इसे ट्रीट करोगे तो ये बीम आपकी है लेटरली सपोर्टेड, यानी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन जो भी स्टेप्स है उसको फॉलो करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी लिखा नहीं है कि लेटरली सपोर्टेड है, बट हमको एक ऐसी चीज एक ऐसी लाइन लिखी हुई है जिससे हमें पता चलेगा कि लेटरली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हमें डिजाइन करना है सेक्शन, और इसलिए हमने Fe410 ग्रेड की इस्तेमाल की है, यानी अगर Fe410 ग्रेड की स्टील होती है तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? जो आपका Fu होगा वो होगा 410 पर mm², ठीक। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन से मिलेगी। अब हम जब सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये वैल्यूज के बाद हम यहाँ पे सेकंड स्टेप पे आएंगे, हमको मोमेंट निकालना है। अब यहाँ पे मोमेंट में 1.5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। कि हमने डबल एस कर रहे हैं इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड है और ड्यूडियल है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि कैसे कंसिडर करते हैं, कोई चीज है 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जो लोड दिया है वो फैक्टर लोड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ पे वैल्यू सारी ग्रुपअप करेंगे तो इसको आप कैलकुलेट करके देखिए ना, ये सेम वैल्यू आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैंने कैलकुलेट किया और बता देती हूँ, ये आपका है 281.25 किलो न्यूटन पर मीटर में मोमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा एक आंसर हो गया पहले स्टेप का। अब इसके बाद जब हम अपने तीसरे स्टेप पे आएंगे जो कि है हमारा वी निकालना है हमको, तो वी फिर से 1.5 टाइम्स हो जाएगा, WL/2 न्यूडियल है, सिर्फ सपोर्टेड है, सारी वैल्यूज आप पुट अप करोगे जो कि आपका 60 है, 5 है, 2 है, सॉल्व करके आपकी जरूरत देगी तब आपको समझ में आएगा ये आ गया 225 किलो न्यूटन, ठीक है। ये स्टेप्स में 1 2 कर दूं क्योंकि मैंने अपने स्टेप्स में 1 2 नंबर लिखी हुई है, राइट। तीसरा स्टेप है z की रिक्वायर्ड निकालना है हमको, और इसका जो फॉर्मूला है वो m का मान अपॉन fi होगा। सारी वैल्यूज पहले हम पुट करते हैं आज जो है, तो यहाँ पे ये 281.25 है, अब देखो ये किलो न्यूटन पर मीटर में है और जो एफ आई हम यूज करेंगे वो न्यूटन पर एमएम में है, तो हमें इस किलो न्यूटन पर मीटर को न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए 10^6 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एफ आई 1.1 और ये आपका एफ आई 250 γm 1.1, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 1.2375 की पार मतलब 10^10 ये आएगा आपका, ये एमएम क्यूब में आया है, ठीक है। मैंने बोला था आपको इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो टेबल में वैल्यूज दी है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो चूज करने में आसानी होगी। तो यहाँ से जो एमएम क्यूब है जब हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको खाली इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 10^6 में है। तो यहाँ से जो जेड की रिक्वायर्ड हमको मिलेगा फाइनल जब आप इसे 1000 से करोगे तो 1237.5 cm³, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये जो रिक्वायर्ड डेटा है इसके हिसाब से हमको अपना सेक्शन चूज करना होगा, ठीक है। अब इसको चूज कैसे करेंगे, इसके लिए स्टील टेबल आपको देखनी पड़ेगी। स्टील टेबल में कैसे आप चूज करोगे, आप इंडेक्स में जाना, ये मैं बता रही हूं, वहां पर आपका लिखा होगा रोल्ड स्टील बीम्स, ये आपकी अलग अलग स्टील टेबल में अलग अलग पेज नंबर है, इसमें पेज नंबर नहीं बता सकती एग्जैक्ट क्या आप कौन सी टेबल यूज कर रहे हो,
तो यहाँ पे जहां पे इंडेक्स में रोल हिस्ट्री लीव्स लिखा होगा वहां पर जाकर के सेक्शन चूज करना। इसके लिए जब आप चूज करोगे तो अभी फिलहाल जो मैंने लिया हुआ है वो मैंने आईएस एलबी, मैंने बोला था एलबी डब्ल्यूबी या आपका एचबी चूज करेंगे। तो यहाँ पे एलबी जो मैंने लिया हुआ है 450 लिया है और इसके लिए जो जेडपी की वैल्यू हमने चूज की है मैं आपको एक बार बता दूंगी। देखिए यहाँ पे जो जेडपी की वैल्यू आएगी आपकी वो 1401 आई है। अब ये कैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही सेक्शन चूज करना है, ठीक है? इसकी हिंट मैं बताती हूँ, ट्रिक है। जितनी भी वैल्यू आए, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें आप रफ में प्लस 200 कर दो। जैसे ये मैंने 1237 आई है, इसमें मैंने 200 ऐड किया तो 1437 के आसपास की वैल्यू हमको लेनी है। ये ट्रिक होती है, ये कोई फॉर्मूला किसी बुक में नहीं है, ठीक है? आप 1250 भी ले सकते हो, 1260 भी ले सकते हो, बट हो सकता है कि वो फेल हो जाए, ठीक? तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि ये जो 200 का वैल्यू लेनी है रेंज, और इस 200 को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी जैसे 1400 के आसपास, वो वैल्यू हमको लेनी है। तो हमने देखा हमें 1400 के सामने वाला ये सेक्शन मिल गया, तो हमने ये सेक्शन यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक? अब इसके बाद इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमको यहाँ पर नोट कर ली होंगी, जैसे एच होगा, टी एफ होगा, टी डब्ल्यू हो गया, पी एफ है आपका, आर वन हो गया, ठीक है? हम यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, ये सब स्टेप्स हैं आपके, ये सारी वैल्यूज आपको स्टील टेबल से इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मिल जाएंगी, ठीक है? अब अगर मैं इन वैल्यूज को नोट करूँ तो यहाँ पे जैसे ये आपका 450 mm आएगा, ठीक? बाकी वैल्यूज मैंने नोट की हुई है, ये BF आपका आएगा 170 mm, ठीक है? ये आपका 13.4 mm आएगा, R1 आपका 60 mm आ गया, और TW आपका है 8.6, ठीक है? ये सारी मैंने स्टील लेवल से वैल्यूज नोट की हुई है, तो ये आप लोग भी नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप कंप्लीट, जहां पर हमने सेक्शन चूज किया, सारी प्रॉपर्टीज दी थी। अगला स्टेप है आपका, आपको चेक करना है क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो हम यहाँ पे सेक्शन क्लासिफिकेशन करेंगे। सेक्शन क्लासिफिकेशन में दो कंडीशन बताई थी मैंने आपको, पहली थी 0.5 BF अपॉन TF, ठीक है? दूसरी कंडीशन थी आपकी डी अपॉन TW, दोनों वैल्यूज चेक करनी है। तो हम यहाँ पे फटाफट वैल्यूज लिख लेते हैं, आपकी BF थी 170 अपॉन TF, आपका यहाँ से देखोगे 13.4 है ये वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से डी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। मैंने कैलकुलेटर से रखी हुई है, बता देती हूँ, डी आपका आएगा 391.2, ये आपका आएगा 391.2 mm। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारी कुछ 6.3 समथिंग वैल्यू आएगी, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 45.38 कुछ आएगा आपका, ठीक है? आप कैलकुलेट करके देखिएगा, तो हमारी रेंज में है। अगर आपको कंडीशन याद हो तो ये 9.4 से कम होना चाहिए था, और ये कंडीशन थी कि 84 से कम होना चाहिए था। तो हमने देखा कि हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हैं। इसका मतलब मैंने बताया था, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो यानी हमारा सेक्शन कैसा हो गया, प्लास्टिक। और अगर सेक्शन हमारा प्लास्टिक है तो यहाँ से जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो बीटा बी की वैल्यू, बीटा बी की वैल्यू हमारी आ गई 1, तो यहाँ से हमको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो ये दो कंडीशन और ये वैल्यू। अब जो अगला स्टेप है वो है हमें शियर के लिए चेक करना है, ठीक है? तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि वी शुड बी लेस देन वी। अब ये वी क्या है, वी जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं इस वाले स्टेप में, ये वी की वैल्यू है, और वी डी हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी डी का फॉर्मूला होगा HTW FY upon। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है? ये हो गया आपके वी डी का फॉर्मूला। सारी वैल्यूज रखने के बाद जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, जो भी आपकी वैल्यूज है आप पुट अप कर लो, जैसे ये 450 है, ये आपका 8.6 हो गया 250 अपॉन, और यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड भी किया है। ये जो 1000 से डिवाइड भी किया है उसका रीजन क्या है, ये सब न्यूटन में निकल के आएगा, लेकिन हमको किसमें चाहिए, किलो न्यूटन में, क्योंकि ये वैल्यू भी हमारी किलो न्यूटन में है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी, बीडी जो आपका आया है वो आया है 507, ये आपका आएगा 507.8 किलो न्यूटन। तो जैसे कि हमको दिख रहा है वहां पे है हमारा वी 225, ठीक है?
और ये हमारा आ गया है 507, तो ऑब्वियसली ये सेक्शन हमारा शेयर में सेफ है। बाद में हाई शेयर लो शेयर, तो हम यहाँ पे कंडीशन थी ये कंडीशन, पहले तो इसको हम चेक करेंगे, तो जो भी हमारी वैल्यू रखेंगे तो 304.8 आएगा किलोमीटर, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इतनी आ गई, केस क्या था, या बी है वो इससे ज्यादा हो या इससे कम, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो हमारा बी है वो कितना है 225 किलोमीटर, तो क्या कंडीशन बन रही है हमारी, ये कंडीशन आ गई। अगर आप दोनों को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो V इज लेस देन दिस वैल्यू, यानी कि इस टाइप का केस हो गया लो शेयर केस, ठीक है, ये हो गया लो शेयर। अब अगर लो शेयर है तो जो आखिरी एक स्टेप हमारा बचा है जो कि मूवमेंट चेक करना है, तो लो शेयर के केस में जब हम मूवमेंट चेक करते हैं तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं, एम डी का, ठीक है। तो सिंपल हमने एम डी का फॉर्मूला लगाया है, एम डी जो होगा वो हमारा हो जाएगा बीटा बी जेड डी एफ आई अपॉन गामा एम नॉट, ठीक है। बीटा बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई है 1 आई है, जेड पी की वैल्यू जो सेक्शन हमने चूज किया था उसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे जेड पी की, तो ये आपका हो जाएगा 0.35, ठीक है। इसके बाद एफ आई, अगर हम एफ आई की वैल्यू रखेंगे तो एफ आई हमारा हो गया 250, ठीक है, और नीचे ये है हमारा 1.1, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एमडी की जो वैल्यू आएगी वो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे एमडी की वैल्यू 318.49 आएगी, इसमें आप 10 की बात से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको एमएम क्यूब में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 318.49 किलो न्यूटन मीटर। अब आप देखो फिर से हमने जो अपना आंसर निकाला है इसमें निकाला है किलो न्यूटन मीटर में निकाला है, यहाँ पे जब हमने 10.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो वैल्यू थी ये एमएम क्यूब में आ गई, ठीक। अब अगर हमें इसे न्यूटन एमएम से किलो न्यूटन में मीटर में लाना है तो 10.6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब किया तो हमारा आंसर आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में। कंपेयर करेंगे एन की वैल्यू जो हमारी आई थी पहले स्टेप में, ठीक है, उससे ये वैल्यू हमारी ज्यादा आई थी 281.something आई थी, तो यानी ये हमारा जो सेक्शन है ये मूवमेंट में भी सेफ हो गया, ठीक है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन में करना था, शेयर चेक किया, हाई शेयर लो शेयर चेक किया और आपके मूवमेंट का चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी बीम की आई सेक्शन होना चाहिए डिजाइनिंग हम कर सकते हैं, कंडीशन है कि वो बीम होनी चाहिए लेटरली सपोर्टेड बीम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।